वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आज जो हम मैट्रिक्स मेथड जो लास्ट हमने लेक्चर में देखा था उसको हम उसके जरिए से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स मेथड क्या था कि हमें x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी जो है, यानी ए इनवर्स फाइंड करके हमें बी से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका सॉल्यूशन जो है इस एक्स का आ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं और हम वन बाय वन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला ये प्रॉब्लम उठा लेते हैं। आपका प्रॉब्लम है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है, और 3x प्लस y इज इक्वल टू नेगेटिव 4। सबसे पहला मेथड क्या है, इसके कोफिशियंट मैट्रिक्स से ए मैट्रिक्स बनाना। तो मैट्रिक्स क्या होता है, इसके कॉलम जो होते हैं वो x और y के कोफिशियंट होते हैं। तो x के कोफिशियंट यहाँ लिखेंगे, क्या होगा 4 और 3, y के कोफिशियंट क्या है नेगेटिव 2 और 1। ठीक है, ए बन गया कैपिटल एक्स। किसके बराबर होता है, कैपिटल एक्स बराबर होता है आपके एक्स वाई अननोन, आपके एक्स और वाई आ गए। ठीक है, और बी क्या होगा आपका राइट हैंड साइड, तो बी आपका आ गया राइट हैंड साइड, वो क्या है आपका एट और नेगेटिव फोर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स फाइंड करने के बाद मुझे बी से मल्टीप्लाई करना है, मुझे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, ए इनवर्स आपका आपको पता है, ए इनवर्स किसके बराबर होता है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटरमाइन। ठीक है, तो मैं ऐसे करूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए आपको पता है किसे निकलता है, डायगोनल की साइड चेंज, नॉन डायगोनल की साइन चेंज। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इनकी जगह को रिप्लेस करूंगा, 1 4 की जगह पे आ जाएगा, 4 1 की जगह पे आ जाएगा, तो उनकी साइन चेंज होगी, ये -3 आ जाएगा और -2 था +2 आ जाएगा, डिवाइड बाय डिटरमाइन, देखिए 4 1 4 AD माइनस BC 3 2 6, तो आपके पास -6 आ गया। ठीक है, लेट मी चेक, 4 1 4 और AD माइनस BC माइनस 3 टाइम्स आपके पास क्या है 3 2 6, तो -6 आ गया इज इक्वल टू, देखिए आपके पास यहाँ क्या आएगा 1 और 2। ठीक है, और यहाँ क्या है -3 और 4, डिवाइड में आपके पास क्या है देखिए 4 और -2 आपके पास क्या हो जाएगा +6। ठीक है, तो ये क्या बेसिकली आपके पास हो जाएगा, ये आपका 6 2 आपके पास बेसिकली 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं 10 लिख रहा हूँ, सही है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10 डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो ये मेरी क्या आ गई, ये मेरी ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है, ए इनवर्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है बी से। ठीक है, तो x तब मुझे x मिल जाएगा, तो हमें है मैट्रिक्स इक्वेशन में लिखेंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स टाइम b। ठीक है, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, ए इनवर्स की वैल्यू देखें हर किसी से इसको डिवाइड कर दें तो क्या होगा 1 अपॉन 10। ठीक है, और आपके पास क्या होगा 2 अपॉन 10, और यहाँ आपके पास क्या होगा -3 अपॉन 10। ठीक है, और यहाँ आपके पास क्या होगा 4 अपॉन 10। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है बी से, बी क्या है 8 और -4, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा और मुझे एक्स की और वाई की वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करें, देखें 8 1 8 आपके पास होगा 8 अपॉन 10। ठीक है, और 4 2 4 8 आपके पास -8 अपॉन आपके पास होगा 10 डिवाइड में डिवाइडेड बाय, और फिर आप मल्टीप्लाई करें, देखे 8 3 24, तो -24 अपॉन 10। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करें 4 4 16, -16 अपॉन 10 आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव 8 अपॉन 10 -8 अपॉन 10 कैंसिल हो गया आपके पास 0, और इसको देखें -24 -16 आपके पास क्या होगा -40 अपॉन 10। ठीक है, लेट मी चेक इफ आई हैवन मेड एनी मिस्टेक, 30 होगा इसमें 10 मिलेंगे 40 होगा जी। अब ज्यादा सिंप्लीफाई करें, यह आपका क्या होगा, देखें ये आपका हो जाएगा कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 यहाँ आ जाएगा, यहाँ टेबल लगाएं तो आपके पास क्या होगा 10 का टेबल -4। ठीक है, तो ये आपका अननोन की वैल्यू आ गई। ठीक है, और हमें पता है ये कैपिटल एक्स किसके बराबर है, कैपिटल एक्स बराबर है एक्स और वाई के। ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये आपका बराबर है 0 और -4, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी एक्स की वैल्यू आ गई क्या 0, और y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई आपकी -4।
तो ये वैल्यू आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं क्वेश्चन में, देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, तो आप क्वेश्चन में चले जाएं, ठीक है। देखिए अगर x की वैल्यू 0 रखें, y की वैल्यू -4 रखें, तो आपके पास क्या मिलेगा? पॉजिटिव 8। अगर x की वैल्यू 0 रखें, y की वैल्यू -4 रखें, तो आपके पास -4 मिलेगा। तो यानी इसका मतलब है हमने जो सोल्यूशन निकाला वो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद जो है हम एक और प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, ये वाला प्रॉब्लम देखेंगे इसका सोल्यूशन कैसे निकलता है। तो लेट मी स्क्रॉल डाउन एंड सॉल्व इट। तो आपके पास जो है क्या है, 5x minus 2y is equal to 1, और दूसरा है आपके पास 2x minus y is equal to 0, ठीक है। इसका भी हमें सॉल्यूशन निकालना है। अब हम देखते हैं इसका कैसे सॉल्यूशन निकल सकता है। तो ए मैट्रिक्स आपका किसके बराबर होगा, इसका कोफिशियंट मैट्रिक्स होता है, x का कॉलम पहले यहाँ लिखेंगे, फिर y का कॉलम -2, -1, ठीक है। उसके बाद x क्या होता है कि x और y अननोन होते हैं, x और y आपके आ गए, ठीक है। और राइट हैंड साइड और आपका बी मैट्रिक्स होता है, तो उसको मैंने बी मैट्रिक्स का नाम दे दिया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमाइंट, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमाइंट, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज वेरी इजी, डायगोनल की साइड है चेंज, नॉन डायगोनल की साइड है चेंज, तो यहाँ क्या होगा -1 और यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ -2 हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और नेगेटिव है तो +2 आ जाएगा। डिवाइड बाय डिटरमाइंट देखें, AD क्या है, 5 1 -5, ठीक है, माइनस BC 2 2 4, तो आपके पास -4 आ जाएगा, सही है। अब ज्यादा देखें, अच्छा यहाँ -1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, या -2 आ गया, या 5 आ गया, डिवाइड बाय आपके पास क्या है -5, और -2 आपके पास क्या हो जाएगा +4, ठीक है। और ज्यादा अगर आप सिंपलीफाई करें तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में आपके पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1, तो यहाँ -1, यहाँ आपके पास आ गया 2, और यहाँ आपके पास -2 आ गया, और यहाँ 5 आ गया, डिवाइड बाय -1, तो -1 सबसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइनली आंसर क्या बचेगा, आपके पास फाइनली आंसर बचेगा ये +1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा, ये आपका -5 हो जाएगा, सही है। आपके ए इनवर्स की आंसर आ गया। अब आपको सिर्फ क्या करना है, ए इनवर्स को एक्स, यानी ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है बी से। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, दिस इज ए इनवर्स दैट इज 1 माइनस 2 2 और -5, इसको मल्टीप्लाई करना है बी की वैल्यू से। बी की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 और 0, 1 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें, 1 1 0 2 0 0, और एक्स की वैल्यू 1 आ गई, और 2 1 2 5 0 0, आपके पास 2 आ गया, ठीक है। और ये आपका किसके बराबर होता है, आपका बराबर होता है x और y के, ठीक है। तो इस तरीके से आपके x की वैल्यू क्या आ गया, x की वैल्यू आपकी आ गई 1, और y की वैल्यू आपकी आ गई 2, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम लास्ट वाला है, इसको हम करके देखते हैं कि कैसे सॉल्यूशन उसका निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। आपके पास सॉल्यूशन है, आपके पास क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन निकालें अगर पॉसिबल हो तो किसका, किसका 3 2, यानी ये वाली इक्वेशन में लिख रहा हूँ, लास्ट वाली, ये वाली जो हमने सॉल्व नहीं की थी। तो सबसे पहले मैं ए लिखूंगा, ये आपका बराबर है 2, और फिर क्या है आपके पास 6, और y में 3, और यहाँ आपके पास क्या है 9, ठीक है। अब मेरे पास x क्या होगा, x और y होगा, कैपिटल x x और y, और आपका b जहाँ हो जाएगा, b आपका हो जाएगा यहाँ 8 और 24। सबसे पहले मुझे इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमाइंट, ठीक है। तो ए डिटरमाइंट निकालूं मैं, तो देखें ए डी जा 2 9 18, और बी सी 6 3 18, 18 माइनस 18 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया, क्योंकि ए डिटरमिनेंट जो है वो 0 के बराबर आ गया है। दैट मीन्स ए सिंगुलर है, इसका मतलब क्या है, ए सिंगुलर है, we have no solution, ठीक है, we have, that means A inverse is not possible, simple, इसका मतलब क्या है, then हम कह सकते हैं A inverse is not possible to find, A inverse possible नहीं है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, यही आपका solution होगा, यहाँ हम ब्रेक लगा देंगे, ठीक है। A inverse possible होता तो ज्यादा solve करते, ठीक है। इस तरीके से हमने 3 प्रॉब्लम्स उठाए, उसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की और हमने सॉल्व कर लिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।